एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा शुक्र ग्रह के भी आगे 2 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड। 25वां सोलर साइकिल शुरू हो गया है। एक्सट्रीम गैलेक्सीज कैसे बनती हैं? काफी समानता है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो और यूरेनस के मून्स में। एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा शुक्र ग्रह से भी आगे 2 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड। एस्ट्रोनॉमर्स ने कड़ी मेहनत से सौरमंडल में एस्टेरॉयड का एक कंप्यूटर मॉडल बनाया, लेकिन यह मॉडल प्रेडिक्ट करता था कि वीनस यानी शुक्र ग्रह के भी आगे कम से कम 1 किलोमीटर लंबे एस्टेरॉयड होने चाहिए जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हों। लेकिन अब तक इतने छोटे पिंड को सूर्य के करीब कोई भी नहीं खोज पाया था। अब ज्विस की ट्रांजिएंट फैसिलिटी में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने एक 2 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड खोज निकाला है जो सूर्य से शुक्र ग्रह से भी ज्यादा करीब है। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान के डॉक्टर विंग ने यह खोज की है। इस नए एस्टेरॉयड का नाम 2020 AV2 रखा गया है। 2020 AV2 की सूर्य से सबसे कम दूरी 0.65 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। 25वां सोलर साइकिल शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नया साइकिल शुरू हो गया है और यह भी बताया कि स्पेस वेदर के इस बदलाव से पृथ्वी पर हमारी जिंदगी और टेक्नोलॉजी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। सूर्य की सतह पर प्लाज्मा, सन स्पॉट और मैग्नेटिक एक्टिविटी का 11 वर्ष का चक्र होता है जिसे सोलर साइकिल कहते हैं। दोस्तों, 11 वर्षों के इस चक्र में सूर्य की मैग्नेटिक एक्टिविटी, सोलर फ्लेयर्स, सन स्पॉट्स की संख्या और सूर्य से निकलने वाले आयनित कणों और प्लाज्मा की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। सूर्य से आने वाली सोलर फ्लेयर्स हमारे सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए खतरनाक होती है, इसीलिए वैज्ञानिक इस पर नजर रखते हैं। यूनिवर्स में बड़ी बड़ी एक्सट्रीम गैलेक्सीज कैसे बनती हैं? दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में अरबों की संख्या में गैलेक्सीज हैं। कुछ गैलेक्सीज बहुत छोटी हैं और कुछ बहुत बड़ी, जबकि कुछ नॉर्मल साइज की भी हैं, जैसे कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। यूनिवर्स में कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जो तारों और स्टार क्लस्टर्स से पूरी तरह भरी हुई हैं। इन्हें अल्ट्रा कॉम्पैक्ट ड्वार्फ्स या UCDF कहते हैं। इन गैलेक्सीज में इनके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा तारे पाए जाते हैं। ये स्टार क्लस्टर्स से पूरी तरह फुल होती हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसी गैलेक्सीज भी हैं जो आकार में बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनकी ब्राइटनेस बहुत कम है। इन्हें UDGS कहते हैं, यानी अल्ट्रा डिफ्यूज्ड गैलेक्सीज। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप पर लगे मेगा कैम की मदद से वर्गो गैलेक्सी क्लस्टर का मैप बनाया है। यह गैलेक्सी क्लस्टर मिल्की वे के काफी करीब है और इसमें 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि इस तरह की एक्सट्रीम गैलेक्सीज, चाहे वो अल्ट्रा कॉम्पैक्ट ड्वार्फ्स हो या अल्ट्रा डिफ्यूज्ड गैलेक्सीज हो, दोनों ही प्रकार की गैलेक्सीज गैलेक्टिक कोलिजन का नतीजा है। इन गैलेक्सीज का कई बार दूसरी गैलेक्सीज से टकराव हुआ है जिसकी वजह से ये इतनी एक्सट्रीम बन गई है। काफी समानता है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो और यूरेनस के मून्स में। दोस्तों, सौरमंडल में अगर हम जुपिटर और सैटर्न के भी आगे निकल जाएं तो हमें मिलता है यूरेनस। यूरेनस अर्थ से बहुत दूर है, सौरमंडल के अंधकारमय क्षेत्र में, लेकिन यह अकेला नहीं है। इसके अपने एक नहीं बल्कि 27 चंद्रमा है। इतनी अधिक दूरी पर स्थित इन छोटे मून्स की स्टडी करना बहुत कठिन है, इसीलिए हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। जब वैज्ञानिकों ने यूरेनस के 5 बड़े मून्स की इंफ्रारेड तस्वीरें देखी तो उन्हें पता चला कि ये मून्स प्लूटो से बहुत मिलते जुलते हैं। ये सभी बर्फ और चट्टानों से बने हैं और इनकी सतह पर मोटी बर्फ की चादरें बिछी हैं। यूरेनस के 5 प्रमुख मून्स टाइटेनिया, ओबेरॉन, उम्ब्रेई, एरियल और मिरांडा हैं। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने इन मून्स की फोटोज अर्थ को सेंड की थी। ये सभी गोल आकार के हैं और इन मून्स ने हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम की अवस्था को पार कर लिया है, मतलब कि इन मून्स में इतना मास है कि इन्होंने अपनी ग्रेविटी की मदद से एक सिमेट्रिक गोल आकार ले लिया है। ऐसा लगता है कि ये मून्स कभी कुइपर बेल्ट के ड्वार्फ प्लैनेट रहे होंगे, लेकिन बाद में यूरेनस की ग्रेविटी से खींचकर ये यूरेनस के मून्स बन गए।
तो दोस्तों इन हैरान कर देने वाले साइंस न्यूज स्टोरीज को सुनकर आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आए हैं, प्लीज हमारे साथ कमेंट्स में डिस्कस जरूर करें।